अब जो पार्शियल फ्रैक्शन आपने पहली दफा सुना होगा, पहले पहले मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में बता दूं। फ्रैक्शन आप किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जी, एनीवन? फ्रैक्शन की कोई डेफिनेशन बता सकता है मुझे? जी सो हम बोल सकते हैं क्वोशेंट ऑफ टू नंबर्स इज कॉल्ड फ्रैक्शन, और क्वोशेंट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो हमारे पास अभी जो है फ्रैक्शन में भी टाइप आ गए हैं। अब वो कौन कौन से टाइप्स हैं? एक है प्रॉपर है और दूसरा इम्प्रॉपर है। फ्रैक्शन में हमारे पास ऐसे बोलने के, अगर बुलेट में कहा जाए, वी हैव प्रॉपर, रेशनल, एक्सप्रेशन और दूसरी है इम्प्रॉपर। सो फर्स्ट यू हैव टू मेक डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशंस। और ये पूरा चैप्टर है, ये एक दिन का चैप्टर है, अभी ये खत्म हो जाएगा। ये दो SLOs हैं और ये मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। मेन डे आज के दिन में ये आपको समझ में आ जाएगा और कवर भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि अगर नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं तो और भी अच्छा होगा। सो लेट्स ट्राई। फर्स्ट जो है हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। तो हम कोशिश करते हैं ये बात सबको समझ में आ जाए, और उम्मीद है मेरी आवाज भी आपको समझ में आ रही होगी। सबको आवाज आ रही है? सबको कोई हाँ या नो तो बोल दे। ठीक यस सर, आ रही है, है। तो आज का जो चैप्टर है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन नाम से सुन के आपको डरना नहीं है, बल्कि ये फ्रैक्शन का कोई हिस्सा ही है। तो पहले पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या फर्क है। इसको समझने के लिए आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। उसका एग्जांपल इस तरह हो सकता है कि आप ही मुझे बताएं कि अगर मेरे पास ये एग्जांपल है, वन ओवर टू का फ्रैक्शन है, आप बता सकते हैं? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर, बेस्ट। ठीक है, अगर इसी को ही मैं चेंज करूं, इफ आई राइट थ्री ओवर टू, सो नाउ थ्री ओवर टू इज अ टाइप ऑफ, इज टाइप ऑफ, इम्प्रॉपर। वेरी गुड, सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। अभी एक और एग्जांपल लिखता हूँ, थ्री होल वन ओवर टू, ये कौन सा है? कंपाउंड कंपाउंड और मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे भी कहते हैं शायद। ठीक है, तो थ्री होल वन ओवर टू, मोर ओवर यू कैन राइट एन फ्रैक्शन फॉर्म, और वो कौन सा फ्रैक्शन होगा? इम्प्रॉपर हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसका न्यूमरेटर मैक्सिमम हो जाएगा। फाइव पॉइंट टू एग्जैक्टली, फाइव अपॉन टू कौन से टाइप में आ गया हमारे पास अभी? इम्प्रॉपर। सेवन फिर पॉइंट टू नहीं हो, जी बिल्कुल इम्प्रॉपर। 7.2 कौन सी लो? सेवन अपॉन टू इज आल्सो, यू आर राइट, यू आर राइट बेटा, सेवन अपॉन टू। आई थिंक सना ने सही कहा है,
सेवन अपॉन टू होगा। वेरी गुड। अभी बात समझने की ये है कि थोड़े हम ये भी जो खेल रहे हैं नंबर्स के साथ गेम खेल रहे हैं, अभी तक हम थोड़े बड़े नहीं हुए, बड़े भी हो जाएंगे इसी लेक्चर में, तो थोड़ी बात को समझें कि थ्री होल वन ओवर टू जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, इम्प्रॉपर में हो रहा है। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, वो समझने की कोशिश करें। ए प्लस बी ओवर सी को कैसे लिख सकते हैं? जिसे क्लास में क्वेश्चन करते हैं ना, कम्युनिकेट करते हैं टीचर के साथ, वैसे ही आप रिस्पांस रखें तो अच्छी बात होगी और ये चैप्टर टेस्टिंग भी है, समझ में भी आ जाएगा आपको। ए प्लस बी को ओवर सी कैसे लिख सकते हैं? चले इसको भी छोड़ दें, मैं आपको और छोटा सा बिल्कुल नाइस एग्जांपल देता हूँ। 15 over 5, यू कैन राइट 15 एज अ 10 प्लस 5 ओवर 5, ऐसे लिख सकते हैं ना? यस सर। वेरी गुड। तो इसको मजीद आप कैसे लिख सकते हैं? यू कैन राइट 10 ओवर 5 प्लस 5 ओवर 5। इफ यू सिंप्लीफाई 10 ओवर 5 दैट इज 2 and 5 over 5 is 1 और आंसर आ गया 3। अगर हम इसको डायरेक्ट भी टेबल यूज करें तो आंसर 3 आएगा, अगर हम इसको एक सिस्टमेटिक वे से थोड़ा ट्राई करें बच्चों की तरह तो आंसर तब भी 3 आएगा। उम्मीद है ये आपको बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई? यस सर। तो अब बेटा देखें, ये ए है, ये बी है एंड दिस इज सी। सो अभी हमें बात समझ में आ रही है, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट, कैन राइट ए ओवर सी, बी ओवर सी, सही है? समझ में आ गई बात? यस। अब मैं इसको थोड़ा डिफरेंट एंगल से आपको बात बताता हूँ, शायद वो भी आपको समझ में आ जाए। सो दिस इज 15, सेम एग्जांपल को मैंने सिलेक्ट किया है 15 ओवर 5। इफ आई राइट 15 सेम एंड 5 को लिखूं 2 प्लस 3, तो क्या आप ओवर 2 प्लस 15 ओवर 3? बताएं, 15 ओवर 2 का आंसर क्या होगा? क्यों, मीटिंग जल्दी खत्म होने वाली है, 10:28 की मीटिंग है क्या? चलें नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करेंगे हम। सो मुझे बताएं आप, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? इस एग्जांपल को ऐसे हम लिख सकते हैं या नहीं? सर लिख सकते हैं। क्या आंसर अपना 3 आएगा? नहीं सर, 6 आएंगे। देखें मैं अभी आपको बताता हूँ, 15 ओवर 2 इज 7.5, सही है? 15 ओवर 3 इज 5, जब इनको हम ऐड करेंगे तो आंसर होगा 12.5। सो अब अगर हम डायरेक्ट देखें 15 ओवर 5 दैट इज 3, समझ में आ गई बात?
बट अगर हम डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करके न्यूमरेटर के नीचे रख दें तो आंसर आ रहा है 12.5, तो बात गलत हो गई ना। तो हम इस स्टेप के बाद इस स्टेप पे गलत हो रहे हैं। नहीं आई बात समझ में आपको? सर गलत क्यों हो रहे? पहले तो नहीं हो रहे थे, लाइक पीछे वाले एग्जाम्पल में। ओके लुक एट दिस, 15/5 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। वो कैसे हुआ देखें, 10+5, न्यूमरेटर को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया डिनोमिनेटर के साथ तो आंसर 3 आ रहा था। अगर डायरेक्ट मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तब भी 3 आ रहा है, अगर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूं न्यूमरेटर को डिस्ट्रीब्यूट करके मैं सॉल्व करूं सिंपलीफाई करूं 15/5 के रेशियो को तब भी आंसर 3 आ रहा है। मान रहे कि नहीं मान रहे? यस सर। चले मैंने इस एग्जांपल को भी छोड़ दें आप। अब मैंने 15/5 पे देखें क्या किया, मैंने डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट किया है या नहीं? हाँ सर है। तो लिखा, मैंने लिखा 15/2, 15/3, ये प्लस जो पड़ी है प्लस भी रख दी मैंने। ये देख, जब मैंने 15/2 को सॉल्व किया तो आंसर आया 7.5, और जब मैंने 15/3 को सॉल्व किया तो आंसर आया 5। अब जबकि इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 12.5, और 12.5 जो के बराबर नहीं है 3 के। नहीं आई बात समझ में आपको? सर आ गई अब। 15/5 एक्चुअली 3 के बराबर है, जबकि न्यूमरेटर को किसी भी हालत से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी भी हालत से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आंसर आपको 3 मिलेगा। नतीजा ये निकला है कि अगर डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करके न्यूमरेटर के साथ रखा जाए तो वो आंसर नहीं आएगा जो आप न्यूमरेटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस सर। उम्मीद है सबको ये बात समझ ओके में आ सर। गई होगी। तो न्यू स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ कि यू कैन डिस्ट्रीब्यूट एक्चुअली न्यूमरेटर नॉट डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यूमरेटर के साथ तो वो रिजल्ट नहीं आएगी जो एक्चुअल होनी चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए, बात को समझने के लिए एक हमारे पास इस मसले का तोड़ है, वो कौन है? जी बताएं वो कौन है? पार्शियल फ्रैक्शन। जी बिल्कुल, पार्शियल फ्रैक्शन ही इसका सोल्यूशन है इसी बात को समझने के लिए। तो ये तो बिल्कुल छोटे से एग्जांपल हैं, इस पे हम पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस भी नहीं कर सकते, बट मैं आपको उसका थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता था कि हम पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज करेंगे। तो इसी सिचुएशन को देखें, इसको अगर हम वापस लाएं, इसको वापस लाएं तो ये बात नहीं बनेगी, मगर हम इसको वापस लाएं तो ये बात बनेगी। सो एलसीएम अगर इसकी ली जाए, एलसीएम इसकी ली जाए तो सिचुएशन ये नहीं बनेगी, मगर इसकी एलसीएम ली जाए तो ये सिचुएशन बनेगी। तो इसके कंट्राडिक्शन में हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। उस पार्शियल फ्रैक्शन इज एक्चुअली बैक बैकअप होता है, जो हम कहते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड आ गई देन राइट हैंड साइड आ गई, दोनों बराबर हो गए। अब एलसीएम को ये सपोर्ट करेगा ये चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं छोटा सा फिर से अगेन आपको एग्जांपल देता हूँ जैसे आपको और भी बात समझ में आ जाए। पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ मैं अभी नहीं जाऊंगा, एग्जाम्पल समझें तो तब बात आपको
वो दिमाग में बात आई, यूज टू होना पड़ता है आपको न्यू चैप्टर न्यू बात को समझने के लिए। तो लेट मी राइट एक्स स्क्वायर माइनस वन, मीटिंग में 3 मिनट रह गए, तो मीटिंग फिर से आपको ज्वाइन करनी है। स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, और एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि कैन आई राइट एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वन होल इधर ओडू हवा क्लास पर गिनता हूं प्लस वन माइनस वन ओवर क्या ऐसे लिख सकता हूं इस प्रॉब्लम को हेलो जी बेटा मेरी आवाज क्या मैं प्रॉब्लम को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं नो सर तां चयो डिनोमिनेटर के सा कौन कंदा सी मतलब उने के डिवाइड कौन कंदा सी माना डिस्ट्रीब्यूट न कंदा सी न्यूमरेटर के डिस्ट्रीब्यूट कयो त असा एकडे सही रस्ते सा विंदा सी यस सर हाने असा इनी गाल ते जी फातायु अगर डिनोमिनेटर एडो असाडे निभागो अची वने उनी के की हैंडल कजे सर उल्टू हां बेटा सब सब कुछ समझ में आ रहा है सब कुछ समझ में आ रहा है बात को समझें वो निभाव से भाव को समझ में अच्छे दो ना ये सर अच्छे दो हाँ ये अपना उरूज थी हाँ शायद ये उरूज नहीं बोला था उर्दू बोलो बाबा समझ में अच्छे दो ना निभाव से भाव डिनोमिनेटर न्यूमरेटर छा होंदो आ क्लास में फन होना चाहिए क्लास में फन होना चाहिए फेस टू फेस नहीं है बल्कि अच्छी बात है खुद को खुशगवार रखें या मतलब अच्छा सेटअप दें बात समझ में आएगी ये मैथ्स की क्लास है थोड़ा और भी होना पड़ता है या कभी आप मस्ती करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा तो बातें चलती रहेंगी मीटिंग में 1 मिनट रह गया और फिर से आपको क्लास ज्वाइन करनी है एनी हाउ एट एनी कॉस्ट ऑफ इंटरनेट ठीक है तो इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें अगर न्यूमरेटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो आप डिनोमिनेटर सेम रख के बात समझ सकते हैं मगर हमारे पास सिचुएशन इसके बिल्कुल उलट हो जाए अपोजिट हो जाए तो क्या करेंगे वहां पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा